प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के तहत अपने पहले पड़ाव नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का पहले तो एयरपोर्ट पर ही स्वागत हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में नाइजीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और मोदी के आते ही वहां पर मोदी मोदी के नारे पूरे इलाके में गूंजने लगे। इसके बाद पीएम मोदी जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो वहां भी बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे जो उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों के साथ जाकर बात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे पर सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे हैं। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है जो भारत का बड़ा साझेदार भी है। व्यापार संबंधी, रक्षा संबंधी तमाम इन मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक होगी और कई दशकों में ऐसा पहला मौका आया है जब नाइजीरिया में कोई भारतीय प्रधानमंत्री दौरे पर पहुंचा है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हो गए, खास तौर पर उस वक्त जब अफ्रीका में चीन की कई देशों में धीरे धीरे पैठ बढ़ती जा रही है। ऐसे में पश्चिम अफ्रीका के नाइजीरिया में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जाना दोनों देशों के बीच व्यापार के साथ साथ जो सामरिक एक साझेदारी है उसे भी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत होते हुए आप देख रहे हैं, वहां पर मौजूद तमाम भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। और बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को निराश नहीं किया और उन्होंने लोगों तक जाकर उनसे बात की, ऑटोग्राफ दिया, लोगों ने सेल्फियां प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक होगी और यहां देख सकते हैं कि नाइजीरिया के तमाम जो बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए ना सिर्फ एयरपोर्ट पर मौजूद थे बल्कि होटल के बाहर भी उनके इंतजार में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। बच्चे खासकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक नजर आए और छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीन देश का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें आखिरी पड़ाव प्रधानमंत्री का गुयाना में होगा जो कैरिबियाई देश हैं और वहाँ भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे। और उसके बाद गुयाना में भी प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। बहरहाल अफ्रीका में इस वक्त भारत के कई मुल्कों के साथ बहुत अहम रिश्ते हैं, उनमें से पश्चिम अफ्रीकी के देश में कहा जाए तो सबसे मजबूत भारत का जो साझेदार है वो इस वक्त नाइजीरिया है। पीएम का स्वागत करने के लिए एक महिला मोदी का स्केच भी लेकर पहुंची थी और जैसे ही पीएम की नजर स्केच पर आई, पीएम ने उस महिला से पेन लेकर उस स्केच पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया और स्केच की खूब तारीफ भी की। पीएम की तारीफ सुनकर महिला भी बेहद खुश हुई। हम तो जैसे बिल्कुल धन्य धन्य हो गए, हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का और ये मैंने स्केच बनाया है। मुझे स्केच करना बहुत पसंद है और जब मुझे पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं और उन्होंने ये स्केच देखते ही साइन किया अपना, तो मेरी मेहनत तो बहुत सफल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज वो अबुजा में आए। हाँ जी, हाँ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बहुत अच्छा बना है और उन्होंने मेरे हाथ से पेन लेकर उस पर साइन किया अपना और वो बहुत खुश हुए, तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मुझे तो बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को। और पीएम को अक्सर भीड़ में बच्चों को दुलार करते हुए देखा जा सकता है। अबुजा में भी भारतीयों के बीच मौजूद छोटी बच्ची को जैसे प्रधानमंत्री ने देखा तो उन्होंने उसके साथ लाड किया, इसके इस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। और ये छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं जिसे प्रधानमंत्री मोदी दुलार करते हुए नजर आए और उसके आसपास आप देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन बच्चों को, उनके इन चाहने वालों को बिल्कुल निराश नहीं किया, उनके बीच जाके प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उनसे मुलाकात की और अपने इतने करीब पाकर लोगों भी बहुत खुश नजर आए और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि आखिरकार वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इतने करीब मौजूद थे। मोदी जी से हम आज मिल
मिलके बहुत खुश हुए। मेरा नाम आद्या दारुका है, मैं आज मोदी जी से मिलके बहुत बहुत खुश हुई, है ना? मोदी जी ने आपको आशीर्वाद दिया, है ना? आज हम कितना सुबह से तैयार होके इतना खेल रही थी। मोदी जी थैंक यू फॉर कमिंग टू अबुजा, सच में इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू। हाँ सी, वी लव मोदी जी, हर घर मोदी, है ना? और पिछले 17 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नाइजीरिया दौरा है। 2007 में आखिरी बार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। अब पीएम मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे और पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू के न्योते पर नाइजीरिया पहुंचे हैं। आज पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति तिनुबू से मुलाकात करेंगे और उनके बीच भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। नाइजीरिया में करीब 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं जिनका 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। अब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया था। उसके बाद 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाइजीरिया पहुंचे थे और उसके बाद मनमोहन सिंह और 17 साल बाद आज प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया पहुंचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र पांडे है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूं और यह हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, उनको मिलकर उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जिस तरीके से उन्होंने आ करके हम सबका उत्साह वर्धन किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है जो काफी समय से रह रहा है। ये अद्भुत अनुभव है, हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की धरती पर आए और हम सभी भारतीयों का उत्साह वर्धन करें। के आने से नाइजीरिया और भारत के संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आने की उम्मीद की जा रही है और ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में विशेष तौर से भारत को काफी लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, मैं पहले प्रधानमंत्री जी से बर्लिन में मिल चुकी हूँ, फिर दोबारा मिलने का सौभाग्य मिला मुझे। लेगोस से आके आई हूँ, अभी अबुजा में मिली हूँ। बहुत हमारा धन्य हो गया यहाँ अबुजा आकर के, प्रधानमंत्री जी के चरण यहाँ पड़े हैं और हमें दर्शन मिले हैं। खुशी की बात है, आप देख सकते इतने समय से, इतने घंटों से सभी खड़े हैं, इतनी उमंग उत्साह किसी में भी कमी नहीं है। हर कोई दिल एकदम भरा हुआ है प्यार और स्नेह से और हमारी दिल की शुभकामनाएं हैं वो अपनी यात्रा में ऐसे रहे। उनका चेहरा देखते ही सबके चेहरे खिल गए क्योंकि इतनी रूहानियत है उनके चेहरे पे से, जो प्रेरणा मिली है सबको कि लगता है कि ये हमारा लीडर ही नहीं पर ये हमारा परिवार है। हमको आज मोदी जी से मिलके बहुत प्राउड महसूस हो रहा है और हम उनसे मिलके बहुत खुश हुए, बहुत खुश। हमको बहुत अच्छा लगा कि वो नाइजीरिया आए और हम सबसे मिले। हमारा एक सपना था कि हम मोदी जी से मिलें और वो आज हमारा पूरा हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है, लोग बेहद खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर। और ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जो पारंपरिक नृत्य है उसे भी पेश किया गया है वहां के लोक कलाकारों द्वारा नाइजीरिया के। और एक अहम चीज़ है कि अगर अफ्रीका में देखा जाए तो वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर नाइजीरिया को देखा जाता है और पूरे अफ्रीका में अगर देखा जाए तो पश्चिमी अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण देश और साथ ही साथ जिसकी इकोनॉमी लगातार बेहतर होती जा रही है। और ऐसे में भारत और नाइजीरिया के बीच जो वाणिज्य संपर्क संबंध है वो अगर मजबूत होते हैं तो ऐसे में दोनों ही देशों को काफ़ी फायदा होगा। नाइजीरिया भारत का एक बहुत बड़ा ऐसा देश है जहाँ से काफ़ी चीज़ें भारत से वहाँ पर निर्यात की जाती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर खाद्य सामग्री हो और इंजीनियरिंग हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नाइजीरिया एक बड़ा पार्टनर है भारत का, जहाँ पर भारत बड़े या अपने जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ पर है वो काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करती है नाइजीरिया में। उसी तरह से नाइजीरिया में जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल्स हो यानी माइनिंग का क्षेत्र हो, वहाँ भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके ज़रिए भारत अपनी खास तौर पे जो हम इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं उसके लिए जो बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए जो आपको रेयर अर्थ मटेरियल्स की ज़रूरत है वो वहाँ से आपूर्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ऐसी स्थिति में दोनों देश हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत मददगार साबित हो सकते हैं और खासतौर पर भारत के जो एक्सपोर्ट है वो नाइजीरिया जैसे जो तमाम देश हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ है नाइजीरिया में।